नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 1:11। मैं हूं आपके साथ शिवानी। आज दिन भर में बात करें अगर मोकामा विधायक अनंत सिंह की, तो उन्हें आज ये दूसरा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की नियमित जमात MP MLA कोर्ट ने आज खारिज कर दी। AK-47 और हैंड ग्रेनाइट में उनके गाँव लदमा स्थित उनके पैतृक आवास से बरामद किया गया था, जिसको लेकर MP MLA कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है। आज सुबह की अगर हम बात करें तो अनंत सिंह के शार्प शूटर कहे जाने वाले विकास सिंह, जो कि पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था, लेकिन साफ तौर पे कई बातें सामने आई। कहा गया अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से कि वो शार्प शूटर अनंत सिंह का नहीं था, लेकिन तमाम खबरों के बाद जिस तरह से आज दूसरी खबर सामने आई कि अनंत सिंह को और जमानत याचिका जो उनकी की गई थी उसे खारिज कर दी गई है। हालांकि कुछ महीनों पहले जिस तरह से उनके पैतृक आवास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद की गई थी, उसके बाद अनंत सिंह काफी दिनों तक फरार चले थे। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 2 से 3 वीडियोज जो है पब्लिश किए, जो हर जगह वायरल हुई। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर उस वीडियो में कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और वो कई महीनों से कई सालों से अपने पैतृक आवास नहीं गए हैं, तो वहां पर AK-47 कैसे हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर बाढ़ के SP लिपि सिंह पर निशाना साधा और नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार द्वारा और SP लिपि सिंह के द्वारा उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वहीं उसके बाद उन्होंने खुद को दिल्ली कोर्ट में, आपको बता दें कि उन्होंने खुद को सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें पटना लाया गया। वहीं पटना में अगर बीते दिन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से शीतकालीन सत्र चल रही थी, उस बीच उन्हें 2 दिनों के रिमांड पर छोड़ा गया था। साथ ही जब वो वहां पर पहुंचे तो सदन में भी वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि सरकार द्वारा जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अनंत सिंह के समर्थकों के मन में एक बात थी कि शायद उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन आज MP MLA कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जो कि अनंत सिंह के लिए अभी तक का ये सबसे बड़ा झटका हो सकता है। बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। News 1:11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।